फौजी जुनूनी होते हैं, कभी कभी ये जुनून सारी हदों को पार कर जाता है। फौज से रिटायर होने के बाद अपनी दूसरी पारी में कर्नल विवेक चड्ढा ने इसी जुनून को पूरा करने की कोशिश की है। वो भी अपने हार्ले डेविडसन पर अपनी फौज से जुड़ी यादों को पेंट करवाकर, ताकि पलटन से हमेशा जुड़े रहें। दो चीज़ों का मुझे बहुत शौक रहा है, एक है मोटरसाइकिलिंग और दूसरा था फौज में भर्ती होने का। भगवान का शुक्र है दोनों ही शौक मेरे ये पूरे हुए। कहा जाता है कि आप एक फौजी को फौज से तो निकाल सकते हैं, मगर उस फौजी के अंदर से फौजी भावना को नहीं निकाल सकते। आज जब मैं इस मोटरसाइकिल को देखता हूं तो मेरी बटालियन की 245 वर्ष की जो हिस्ट्री है वो हर एक हिस्से के अंदर बटालियन के ऊपर झलकती है। बटालियन का फ्रंट फेंडर है, उसके ऊपर हमारे 1768 जो हमारा ईयर है रेजिंग का, तब से जितने भी कैप बैजेस हैं उनको दर्शाया गया है। जो रियर फेंडर है उसके ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और हाल ही के जो सैनिक हैं उनको दिखाया गया है। पेट्रोल टैंक इसका एक खास आकर्षण है, और इस पेट्रोल टैंक के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर हर वह बैटल ऑनर, थिएटर ऑनर दर्शाया गया है जो इन 245 सालों में हमने जीता है। 21 बैटल और थिएटर ऑनर इस पर दिखाए गए हैं, और साथ ही में एक वर्ल्ड मैप है और एक आजकल के सोल्जर की इमेज दिखाई गई है, जो कि इस बात का प्रतीक है कि ये बैटल ऑनर्स दुनिया के कोने कोने में जाकर हमने जीते थे। पेट्रोल टैंक के दोनों साइड बहुत बेहतरीन दो इमेजेस बनी हुई हैं, तस्वीरें बनी हुई हैं। एक तस्वीर है 1944 के मोटरसाइकिल डिस्पैच राइडर्स की, जो कि लड़ाई के दौरान मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह दिया करते थे, और दूसरी साइड पर है बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, जो कि एक बहुत दूसरे विश्व युद्ध की बेहतरीन और बहुत दिक्कत देने वाली लड़ाई थी। मोटरसाइकिल खरीदने में भी काफ़ी मुश्किलें पेश आई, जाहिर है बड़ी मोटरसाइकिल थी, हम फ्लैट्स में रहते हैं और फ्लैट्स में इस तरह की मोटरसाइकिल को पार्क करने की जगह नहीं थी। हमारी बहुत अच्छी किस्मत है, हमारे नेबर्स बहुत अच्छे हैं, मीनाक्षी हमारी नेबर है जिन्होंने हमें अपना गैराज एक्सचेंज किया हमारे साथ, जिसमें जिसको तोड़कर दोबारा बनाया गया, दरवाज़ा नया लगाया गया और फिर किसी प्रकार से इस मोटरसाइकिल को फिट किया गया। जब ये मोटरसाइकिल फिट हुई तभी उसके बाद मैंने ये मोटरसाइकिल ली, एक हर्ट लिए मेरी पूरी हुई। मोटरसाइकिल लेने के बाद मुझे ऐसा लगा मानो 45 साल की मेरी उम्र वापस 30-35 साल पर पहुंच गई है। मैं दोबारा वो सब काम करने लगा जो मैं 10 या 15 साल पहले करता था। मालूम नहीं मुझे कि ये किस चीज़ की देन है, मगर हाँ ये मेरे को पक्का मालूम है आज कि मेरे और मेरे 20 वर्षीय लड़के की कंपटीशन ज़रूर शुरू हो गया है कि कौन ज़्यादा यूथफुल और जवान फील कर सकता है इस मोटरसाइकिल के द्वारा। उसको तो हाँ मैंने अभी तक ये मोटरसाइकिल नहीं दी है, मगर मुझे ये ज़रूर लगता है कि मैं उसका हम उम्र बन गया हूँ इसको ख़रीदने के बाद। मुझे बहुत शौक था लंबी राइड्स का, और फौज में रहते रहते जिस तरह की पोस्टिंग होती हैं, जिस जगह की जगह पर रहते हैं हम, ये हमेशा नहीं हो पाता था। तो मुझे मौका मिला दिल्ली से गोवा जाने का, 5 दिन की मेरी राइड थी और एक बहुत बेहतरीन सफ़र था मेरी ज़िंदगी का।
इसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे जो मेरा जो पास था, मेरा हिस्ट्री थी, वो फौज से इतनी गहरी जुड़ी हुई थी कि किसी प्रकार से वो हिस्ट्री मेरी बाइक के साथ आके मिल जाए। मैं अपनी बाइक को कस्टम पेंट करा सकूं और कस्टम पेंटिंग के द्वारा ही उसमें ऐसे कुछ अपनी ज़िंदगी के पल डाल सकूं जो कि मेरी पलटन का, मेरी बटालियन का और मेरा हिस्सा थे। मुझे मुलाकात करने का मौका मिला आइमोर कस्टम्स के साथ, जिसमें साइकत और मृत्युंजय दो इंजीनियर्स हैं, शौक के तौर पर अपना कस्टम पेंटिंग का काम करते हैं, और मेरा जो दिमाग में आइडिया चल रहा था उसको उन्होंने असलियत में एक कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइन के द्वारा पूरा किया, और उसके बाद मोटरसाइकिल के सारे मेटल हिस्से उतारे गए और पार्सल किए गए कोरियर से हैदराबाद। एक महीने बाद सारे हिस्से पुर्जे हैदराबाद से वापस आए और मोटरसाइकिल पे लगाए गए। मेरे लिए ये मोटरसाइकिल एक सपना थी और मेरे लिए मेरी फौज की ज़िंदगी भी एक सपना थी, और इस मोटरसाइकिल के द्वारा और इसके ऊपर जो अंकित चित्र हैं उससे मेरा ये सपना पूरा हुआ है। और जब भी मैं इस मोटरसाइकिल को देखता हूँ मुझे मेरी फौजी ज़िंदगी की याद ताज़ा हो जाती है, और साथ ही में जब भी मैं इस मोटरसाइकिल पर निकलता हूँ मुझे गर्व होता है कि इसके ऊपर हर वह लड़ाई अंकित की गई है जिसके अंदर मेरी बटालियन फर्स्ट बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने पिछले तकरीबन 250 साल में अपना रक्त बहाया है। आर्मी में जब मैं इन्फेंट्री में गया था, मराठा लाइट इन्फेंट्री में मेरा कमीशन हुआ, और अलग अलग प्रकार की दिक्कतें, मुश्किलें CI ऑपरेशंस में रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी होती थी। जब मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया फौज से, मुझे ऐसे लगा मान लो ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा शांति आ गई है और कुछ खास हो नहीं रहा है। मोटरसाइकिल लेने के बाद मुझे लड़ाई का मैदान तो नहीं मगर दिल्ली की सड़कें और देश की सड़कों के मैदान ज़रूर देखने को मिले, और जो एक एडवेंचर की भावना फौज में रहते हुए होती थी उसका एक झलक मुझे मोटरसाइकिलिंग के द्वारा फिर मिलना शुरू हुआ।